सो करंट कैरिंग लूप में मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है, मैग्नेटिक डाइपोल कैसे फॉर्म करता है, उसका पता चल गया। सर्कुलर लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह भी बिहेव कर सकता है, जैसे कि रेक्टेंगुलर लूप बिहेव कर रहा था। जैसे रेक्टेंगुलर लूप के लिए उसका एरिया वेक्टर हम लोग निकालते थे, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन एम का डायरेक्शन होता था। सिमिलरली एक सर्कुलर लूप भी मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव किया, उसका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया और दोनों में रिलेशन भी निकाल के देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कुछ खास इक्वेशंस का डिफरेंस नहीं होता है। जहां भी आपको समझ में ना आए, म्यू जीरो की जगह 1/ε0 पुट कर दो, एम के जगह पी पुट कर दो, बी के जगह ई पुट कर दो, रिलेशन अपने आप अप्रोक्सीमेट मिल जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट जो है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, ये एक बहुत ऑब्वियस सा चीज है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था, जहां पर दो चार्ज होते थे, एक प्लस में एक माइनस में, और दोनों सेपरेटेड होते थे बाय ए लेंथ 2L। लेकिन मैग्नेटिक डाइपोल लेंथ के बारे में नहीं होता है, यहाँ करंट कैरिंग कॉइल होता है और यहाँ पे इसका जो एरिया वेक्टर होता है, इस एरिया वेक्टर के डायरेक्शन के साथ हम एम का वैल्यू निकालते, यही मेन डिफरेंस है दोनों। यही चीजें यहाँ पर थोड़ी डिटेल में लिखी गई हैं, इसको एक बार रीड कर सकते। कोई प्रॉब्लम? लास्ट सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, यहां हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो हमें क्या पता है कि अगर चार्ज मोशन में आया तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, यही अभी तक हमने पढ़ा। इस चैप्टर का नाम भी वही है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो अगर चार्ज मोशन में है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। यहां पर कौन सा चार्ज मोशन में है, यहां पर हमारा इलेक्ट्रॉन मोशन में है। तो सपोज कर लो ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, जेड इज एटॉमिक नंबर, एंड प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस ई, इसलिए टोटल चार्ज इज इक्वल टू दिखा रहा है प्लस जेड। कंफ्यूज मत होना, एटॉमिक नंबर इज जेड एंड ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, सो दैट इज वाई टोटल पॉजिटिव चार्ज। दिस एक इलेक्ट्रॉन ई अगर रिवॉल्व कर रहा है इसके चारों तरफ, तो यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, देख के तुम इसका डायरेक्शन बता सकते हो। ये क्या दिख रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो यहाँ कौन सा पोल, एंटी नॉर्थ पोल बनेगा ना। नॉर्थ पोल के लिए मतलब ये एंगल क्रॉस दिखाया जाता है, इसका मतलब ये प्लेन से नीचे की तरफ जा रहा है। पहले ही क्लास में मैंने बताया था, याद है या नहीं बताओ। यस और हम लोग एम से भी डिनोट करते हैं और म्यू से भी डिनोट करते हैं, दोनों से ही डिनोट किया जा सकता है, ठीक है। म्यू एल से तो एनसीईआरटी डिनोट करता है, इसलिए चलो म्यू एल से डिनोट कर सकते हैं और एम से। तो यहां पर हम लोग सिंपली लिख सकते हैं कि अगर ये स्टेटमेंट के लिए मैं नोट्स तुमको भेज दूंगा, यहां हम लोग स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन मोशन में है, ठीक है, टी जो है सपोज कर लो ये क्या है, हमारा टाइम पीरियड है, टी विल बी टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग। टी टाइम में एक इलेक्ट्रॉन घूम के वापस चला आ रहा है यहां पे, तो जो करंट आई प्रोड्यूस करेगा, करंट आई प्रोड्यूस ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी होता है ना, इफ यू रिमेम्बर। तो यहाँ डी तो चेंज तो नहीं है, सो सिंपली ई बाई टी हो जाएगा, चार्ज बाई टाइम इस करेंट, बेसिक इक्वेशन क्लियर। एक एक स्टेप क्लियर करते चलो। सेकेंड, ये पता है तुमको रिलेशन, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, ये रिलेशन पता है। ओमेगा क्या होता था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एन इज इक्वल टू होता था फ्रीक्वेंसी।
और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड होता। ये सारी चीजें क्लास 11 की है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं, और एक चीज होता था ओमेगा इज इक्वल टू होता था वी बाई आर। इतनी सारी चीजें हम क्लास 11 से पता है, फ्रॉम क्लास 11 रोटेशनल मोशन चैप्टर। ये सारी चीजें यहां पुट कर दो जरा। वी इज द वेलोसिटी, वी इज द वेलोसिटी एंड आर इज द रेडियस। हो जाएगा 2π 1/T। इस पूरे एक्सप्रेशन से मैं टी का एक्सप्रेशन जो निकाल सकता हूं वो हो जाएगा 2π × r/V। बोलो यहां तक समझ में आया नहीं? बुक में हो सके सीधे लिख देता है टी इज इक्वल टू 2π r/V। ये कहां से आया, समझ में आया है? अब एक काम करो, चलो मेरे साथ करो, इक्वेशन बताओ नेक्स्ट क्या होगा। आई का वैल्यू निकाल लो इसको सब्स्टिट्यूट करके, इसको इक्वेशन 1 पकड़ो, इसको इक्वेशन 2 पकड़ो फ्रॉम 1 एंड 2। आई इज इक्वल टू हो जाएगा ई, और ऊपर चला जाएगा हमारा वी, नीचे हो जाएगा 2π r। ये आ जाएगा करंट अनडाउटली। इसको इक्वेशन 3 कर। अब हमें नेक्स्ट हम लोग क्या पता है, वी नो दैट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू करंट इनटू एरिया। इसको इक्वेशन अगर 4 लिखे तो फ्रॉम 3 एंड 4, इक्वेशन 3 और 4 से हम क्या लिख सकते हैं, अभी अभी करंट का पूरा इक्वेशन हमने निकाला था। करंट इज इक्वल टू कितना आया था हमारा, e into v by 2 pi r, और ये रहा एरिया। करेक्ट, अगेन एरिया इज इक्वल टू क्या है, सर्कुलर पाथ में मोशन में है ना। So, इस सर्कुलर पाथ का, ये जो पूरा सर्कुलर पाथ है इसका एरिया क्या होगा, दैट विल बी 2π r² बोल रहा हूं, तो ये पाई आर स्क्वायर यहां पुट कर दो। तो ये पूरा सॉल्व होने के बाद क्या बचा, क्या क्या कटा बताओ, आर आर कट गया, ई वी आर बाई टू। ठीक, बोलो यहां तक समझ में आया? अब आगे बढ़ना है हमें, क्या करेंगे, ये एम का मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं e/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन (mass of electron) into vr। ऐसे लिख सकता हूं इसको। mvr क्या होता है याद है, यही कर रहा हूं के सॉल्व। mvr इज इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस और नो, mvr। mv का मतलब होता है मोमेंटम, r मल्टीप्लाई कर दोगे तो एंगुलर हो जाएगा। रोटेशनल मोशन चैप्टर से सब कुछ पढ़ रहे हैं अभी। और इस एंगुलर मोमेंटम को किस लेटर से डिनोट करते थे हम लोग, कैपिटल L से। देयरफोर m इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा e/2me (angular momentum). बस कुछ नहीं है, कैलकुलेशन कैलकुलेशन एंड कैलकुलेशन। यस और नो? यस। तो ये इसका स्केलर फॉर्म है। इसी को अगर तुम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो वेक्टर फॉर्म में हम इसको ऐसे लिखेंगे, m इज इक्वल टू e, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है,
एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एल एक वेक्टर क्वांटिटी है, और मोमेंटम और मैग्नेटिक फील्ड ऑल ऑब्वियसली ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्यों ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो करता है करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो एल जो है वो तो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में है और एम जो है वो करंट के डायरेक्शन में, इसीलिए इनके बीच में ऑपोजिट रिलेशन होता है, इसीलिए यहाँ नेगेटिव आ जाता है वेक्टर साइन में। और ये नेगेटिव क्या शो करता है? डायरेक्शन ऑफ एम एंड एल आर ऑपोजिट। गॉट इट? यस सर। ये है एक इक्वेशन। और एक लास्ट चीज जो एग्जाम में पूछता है बहुत बार, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, बोर्स ऑर्बिटल थ्योरी याद करो क्लास 11 का केमिस्ट्री, इसीलिए मैंने बार बार कहा था कि ये चैप्टर्स कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। सो फ्रॉम बोर्स मॉडल, बोर्स का मॉडल क्या बताता है हमें, दैट एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, दिस एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एनएच बाई टू पाई, याद होगा तुमको। एनएच बाई टू पाई अगर हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर दे एल के जगह तो हमारा एम मिल जाएगा, एम इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई टू एम ई था और एल के जगह हो जाएगा एनएच बाई टू पाई। सो ये एक्सप्रेशन मॉडिफाइड हो जाएगा ई एन एच बाई फोर पाई एम ई, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। अब कोई एक्सप्रेशन और नहीं है, और यहां पर अगर सारे वैल्यू सब्सटीट्यूट हम कर दें तो हमें एक रिलेशन मिल जाएगा। सारे वैल्यू अगर हम बैठा दें, जैसे e के जगह 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, n को अगर हम लोग बाय डिफॉल्ट 1 पकड़े, ठीक है, n को अगर हम लोग 1 पकड़े मतलब फर्स्ट सेल और फर्स्ट ऑर्बिट, h का वैल्यू पता है 6.62, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड्स, 4 पाई की जगह 3.14 एंड m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। इफ यू सब्सटीट्यूट ऑल दिस वैल्यू यू गेट द वैल्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 9.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। करंट का यूनिट होता है एम्पियर, m इज इक्वल टू आई इंटू ए होता है ना, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, करंट के लिए एम्पियर और एरिया के लिए मीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर, तो ये इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा। सो दिस मच एम्पियर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बोर मैग्नेट्रॉन। ये एक यूनिट होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, सबसे छोटा यूनिट बोर मैग्नेट्रॉन कहा जाता है इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में पूछता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन बी एम का मतलब है बोर मैग्नेट्रॉन, बोर मैग्नेट्रॉन। So, 1 Bohr magnetron is equal to 9.27 into 10 to the power minus 24 ampere meter square. This is the final relation which we need to remember. Bolo, koi question? Awesome. एक चीज याद रखना कि इस बोर मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन को हम लोग यहाँ यूनिफॉर्म समझ लिए, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ यूनिफॉर्मली मोशन में है, सो यहाँ पर उसके बेसिस पे हमने इक्वेशन निकाला, अगर यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा तो कुछ और आंसर आएगा। सेकेंड पॉइंट ये याद रखना, यहाँ पे हमने एन को 1 पकड़ा है मतलब फर्स्ट ऑर्बिट के लिए इसका वैल्यू निकाला है,
एन इज इक्वल टू चेंज करोगे तो बोर मैग्नेट्रॉन का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। ओके बाकी ठीक है। ओके ये है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये होमवर्क में देके रख दे रहा हूं, अगर ये समझ में ना आए देन मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है, ये भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है जो टॉर्क अभी हमने पढ़ा, कि अगर एक परमानेंट मैग्नेट यहाँ डाल दे और यहाँ पे अगर कोई करंट भेजे हम लोग तो ये क्या होगा, इसमें एक रोटेशन आए, लेकिन इसको बहुत सेंसिटिव बनाया जाता है। बहुत सेंसिटिव कैसे बन जाता है, इसमें बहुत सारे कॉयल, ऐसे छोटे छोटे कॉयल्स होते हैं, तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है एक बार देख लो, मैं नोट्स भेज दूंगा। सबसे पहला चीज हमें इसमें पढ़ना है कंस्ट्रक्शन, इसमें जो पार्ट्स होते हैं कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो इसमें देखो दोनों तरफ मैग्नेट्स है, एक स्प्रिंग है, ये जो स्प्रिंग दिख रहा है यहाँ पे, एंड देन ये मिरर है, स्केल रहता है जिसको हम लोग पॉइंटर कहते हैं, ऊपर स्केल रहता है और स्केल के सामने एक मिरर होता है। मिरर इसलिए होता है कि ये जो हमारा पॉइंटर है इसका इमेज देखो यहाँ दिख जाए मुझे, जिससे गलती ना हो, एग्जैक्ट मुझे पता चले कि इसका लाइन कहाँ पर है, रीडिंग क्या है। तो ये कुछ इस तरह का दिखने का एक डिवाइस होता है। इसको क्यों यूज करते हैं, इसको हम लोग सेंस करने के लिए यूज करते हैं, बहुत छोटा से छोटा करंट को सेंस करने के लिए। इसका सेंसिटिविटी कैसे बढ़ता है, जितना ज्यादा हम कॉइल यूज करेंगे उतना ही कम करंट के लिए डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, सो कंस्ट्रक्शन हमने समझ लिया कि ये कंस्ट्रक्शन कैसा है। दूसरा चीज जिसपे ऊपर क्वेश्चन के साथ मैंने लिख दिया है कि ये 2020 और 19 में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि रीजन फॉर अ रेडिकल फील्ड, रेडिकल फील्ड यहाँ पर क्या क्यों प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ सिलिंड्रिकल मैग्नेट्स हम लोग यूज करते हैं जो यहाँ पर एक रेडिकल फील्ड प्रोड्यूस करता है। रेडिकल का मतलब क्या होता है, चारों तरफ से, यहाँ देखो एक सिलिंड्रिकल मैग्नेट्स यूज करते हैं जिसके वजह से चारों तरफ से इसके ऊपर एक फील्ड प्रोड्यूस होता है। सो रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सिलिंड्रिकल परमानेंट मैग्नेट्स। देन इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल भी कितने सारे सालों में पूछा गया है। तो ये सिंपल सा वर्किंग प्रिंसिपल अभी तक हम लोग पढ़े कि अगर एक करंट कैरिंग लूप हो उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम डाल दे तो वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, और उस टॉर्क का वैल्यू अभी अभी हमने पढ़ा था, कितना पढ़ा था उस टॉर्क का वैल्यू बताओ, टाउ इज इक्वल टू क्या आता है, जल्दी भूलने से होगा, टाउ इज इक्वल टू क्या आया था, एम क्रॉस बी, ओके एम क्रॉस बी। जितना ज्यादा मेरा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, जितना ज्यादा फील्ड होगा उतना ही ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा, यही इसका प्रिंसिपल है। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, इसका वर्किंग पढ़ना है। वर्किंग के लिए ऑलरेडी मैंने बता दिया टाउ इज इक्वल टू एम इंटू, टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। ठीक है, अगर इसको हम लोग बोलेंगे तो ये हो जाएगा एम बी साइन थीटा, और अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो ये हो जाएगा एन एम बी साइन थीटा। अब एम की जगह हम लोग क्या बिठा सकते हैं, एन की जगह हम लोग करंट आई इंटू एरिया ए बिठा सकते हैं। मैक्सिमम टॉर्क के लिए हम लोग थीटा को 90 डिग्री ले सकते हैं, तो टी मैक्स मुझे मिल जाएगा एन आई ए बी जो यहां लिखा गया है। क्या समझ में आया बताओ, ये पहला लाइन के लिए हम लोगों ने इतना सारा चीज बताया, फटाफट बोलो इसको खत्म करते हैं चैप्टर को। तो यही चीज यहां लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, द गैल्वेनोमीटर इज फिटेड। अब यहाँ पर क्या होता है, थीटा को हम लोग हमेशा मैक्सिमम रखने के लिए एक सिलिंड्रिकल सिलिंड्रिकल हम लोग यहाँ पर सिलिंड्रिकल मैग्नेट ले लेते हैं। सिलिंड्रिकल मैग्नेट लेने से क्या होगा कि कॉयल जिधर भी जाए हर वक्त उसको ऐसा फील्ड मिले जो 90 डिग्री हो, जिससे उसका मैक्सिमम टॉर्क हर वक्त उसको मिलता रहे। इसीलिए यहाँ पर एक रेडिकल फील्ड प्रोड्यूस किया गया है, इसीलिए यहाँ पे जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो ऑलवेज मैक्सिमम टॉर्क होता है ड्यू टू दिस रेडिकल
परमानेंट मैग्नेट. सो सिंस द फील्ड इज रेडिकल, यही लिखा गया, सिंस द फील्ड इज रेडिकल दैट इज परपेंडिकुलर टू द एरिया वेक्टर, साइन थीटा विल बी ऑलवेज वन. क्लियर. द गैल्वेनोमीटर इज फिटेड विथ स्प्रिंग. स्प्रिंग क्यों डाला गया? विच प्रोवाइड अ टॉर्क इन द ऑपोजिट डायरेक्शन विच बैलेंस द मैग्नेटिक टॉर्क. मैग्नेटिक टॉर्क को बैलेंस करने के लिए एक ऑपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग लगा दिया गया, वरना मैग्नेटिक फील्ड आते ही तो पूरा डिफ्लेक्शन करके 100 पे चला जाता. तो 100 पे ना जाए, उसको रोकने के लिए एक ऑपोजिट में फोर्स देना पड़ेगा ना हमें, कि हम जितना फोर्स लगाए वो उतना ही दूर जाए फिर वापस अपने जगह पे आ जाए. तो उसको अपोज करने के लिए एक हमने क्या किया, स्प्रिंग लगा दिया जिससे इसको बैलेंस कर ले. करंट उसको आगे भेजेगा, स्प्रिंग पीछे भेजेगा और ये बैलेंस हो जाएगा. ठीक है. और जैसे ही हमने वहां से मैग्नेटिक टॉर्क हटा लिया तो वो जो पॉइंटर था वो वापस अपने जगह पे चला आया. क्या समझ में आया ये स्प्रिंग का काम क्या है? बोलो क्लियर या नहीं? हेलो क्लियर और नॉट? Am I audible? Yes, sir. Clear है स्प्रिंग का वर्क? Yes, sir. चलो हम लोग यहां मान लेते हैं, लेट द स्प्रिंग हैव एंगल ऑफ ट्विस्ट phi एंड टॉर्सनल कॉन्स्टेंट k. ये सब स्प्रिंग के बारे में हम लोग पढ़ते थे. स्प्रिंग का एंगल जो होता है, स्प्रिंग का टॉर्क का एक इक्वेशन सिलेबस के बाहर है. फॉर द टाइम बिंग याद रख लो कि स्प्रिंग कांस्टेंट के होता है और उसका जो ट्विस्ट एंगल होता है उसको मल्टीप्लाई कर देने से टॉर्क मिल जाता है. सो टॉर्क ऑफ स्प्रिंग मस्ट बी बैलेंस्ड बाय टॉर्क प्रोड्यूस बाय द मैग्नेटिक फील्ड. ये है टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग और ये है टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेगा तो यहां से हम लोग ट्विस्ट एंगल स्प्रिंग का निकाल सकते हैं. दैट विल बी एन ए बी बाई के इंटू आई. ये काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये याद रखना. ये टॉरिशनल कॉन्स्टेंट के जो होता है इज रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ये सारी चीजें जस्ट एक बार पढ़ने के लिए है, ये सिलेबस में उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. तो यहां से एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर बताओ. दो साल पूछा गया है. करंट सेंसिटिविटी हम लोग कैसे बताते हैं? दिस फाई डिवाइडेड बाय आई इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी. ठीक है. इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, फाई बाय आई, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट. नीचे आई डिवाइड कर दो, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? एन ए बी बाई के. We can increase the current sensitivity of galvanometer by increasing the number of turn. देखो यहाँ पर n के ऊपर depend कर रहा है ना, ये phi by i जो है ये proportional है n के ऊपर, number of turn के ऊपर. जितना number of turn बढ़ेगा उतना ही मेरा sensitivity बढ़ेगा. इसीलिए यहाँ पर ये coil का बहुत सारा turn use होता है. यहाँ देख सकते हो बहुत सारा turn है. दूसरा है voltage sensitivity. वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है? ऑब्वियसली वहां करंट है तो उसका एक रेजिस्टेंस भी होगा, तो दोनों तरफ नीचे आई इंटू आर कर दो, ये वोल्टेज हो जाएगा. सो फाई बाई वी इज इक्वल टू एन ए बी बाई के आर एंड इट इज ऑब्वियसली इट इज डिपेंड ऑन एन ऑल्सो. ये भी किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करेगा. और किस पे डिपेंड करेगा? रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा. अगर हम रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर देंगे तो मुझे बताओ कि मेरा वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगा या घटेगा? बताओ. सेंसिटिविटी बढ़ेगा. बढ़ेगा, करेक्ट. ऑपोजिट रिलेशन है. और अगर हम n को बढ़ा दे तो मेरा वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशन. वही चीज यहां लिखा गया है कि अगर हम लोग n को डबल कर दें और r को डबल कर दें तो क्या कोई चेंज आया? नहीं आया. इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे कि हम लोग n को डबल कर दें और r को हाफ कर दें तो बताओ कितना सेंसिटिविटी बढ़ा?
4 times. सिंपल वही चीज है. अगर n को मैंने डबल किया और मैंने r को हाफ कर दिया तो ये 4 times हो जाएगा ओल्ड. ये इसको हम बोलेंगे न्यू सेंसिटिविटी, इसको बोलेंगे ओल्ड सेंसिटिविटी. सो दिस इज योर होमवर्क. चलो ये मैं नहीं बताने वाला. गैल्वेनोमीटर को एमीटर की तरह कैसे यूज करते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना और इसका इक्वेशंस लिख लेना. इक्वेशन मैंने नोट्स में नहीं लिखा है, इक्वेशन क्या होगा. और सिमिलरली गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसका भी इक्वेशंस क्या होगा, ये बस कर लेना. चैप्टर खत्म. इसके बाद हम लोग का सिर्फ न्यूमेरिकल बच रहा है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे. और स्कूल में अभी क्या चल रहा है हम लोग का? यही चल रहा है अभी, यही चैप्टर. और कोई चैप्टर हुआ है इसके आगे पीछे? नो सर, इसके आगे जाएंगे अभी नेक्स्ट वीक.